इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने भरत भैया को रघुवंश की परंपरा का बोध कराया और कहा, भाई आप सूर्यवंश की विधि को, परंपरा को जानते हो। अयोध्या जी के जीवन में एक संकट आया है। क्या? कि बड़े भाई को छोटे भाई से 14 साल अलग रहना होगा। देखो भैया, व्यवहारतः अलग रहना तो ठीक है, मन से अलग नहीं रहना चाहिए, मन से साथ रहना चाहिए। दूर भी रहो ना तो पास। प्रभु ने कहा ये 14 साल बांटी विपद सब ही मोही भाई तो मही अवधि भाई बड़ी। भैया आपतकाल में सुबंधु ही साथ रह देते, वज्र का घात भी हाथ से ही रोका जाता है। श्री अवध के जीवन में यह कुअवसर आया है, ये विपत्ति आई है, हम चारों भाई विपत्ति को बांटकर इसको कम कर लें। क्या? 14 साल आप अयोध्या की सेवा करो, 14 साल हम वन की सेवा करें। भगवान ने जो व्यवहार दिया हाथ से, पद से और नयन से, सेवक व्यवहार करता इनके जैसा व्यवहार करता है। पद, हाथ और नेत्र सेवक है। सेवक को इनमें सावधान रहना पड़ता है, नेत्र झुकाकर, पद अर्पित करके और कर से सेवा देकर। स्वामी मुख जैसा पावे। देखिए आप विचार करिएगा, मुख भोजन नहीं करता, भोजन शरीर करता है। मुख तो केवल लेता है और दे देता है। मुखिया मुख सोचाए, मुख का काम है, मुखिया का क्या काम? मुख जैसा सुख अपने लिए नहीं, सबके लिए। प्रीत की रीति भगवान ने जो कही, सब सभा को बहुत अच्छा लगा। सारी सभा सोचती है भगवान क्या ज्ञान है। कुछ नहीं, भगवान ने बांट दिया। भरत जी के मन को संतोष हुआ, भगवान ने कह दिया बांटी विपत सबई। भरत जी कहते, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहे उलाह जग जन्म भय को। अब कृपाल जस आयस हो, करउ शीश धरि सादर सो अवलंब देव मोहि देहि अवधि पार जहि पार। अवलंब प्रदान कर। भरत जी ने प्रार्थना किया, प्रभु 5 दिन में आज्ञा हो तो चित्रकूट के दिव्य प्रांगण का, जहाँ जहाँ मेरे प्रभु के चरण चिन्ह हैं, सबका दर्शन करके तीर्थ लाभ प्राप्त करें। भगवान ने आज्ञा दे दिया, अत्रि मुनि की आज्ञा अनुसार ये जो तीर्थ का जल है आप पधरा दीजिए और दर्शन करिए जहाँ जहाँ महामुनि आज्ञा करे। 5 दिन में भरत भैया ने चित्रकूट का दर्शन किया। अब अंतिम दिन है विदा का। सारी सभा भगवान के आश्रम में प्रातः विधि संध्या आदि वंदन करने से निवृत्त होकर उपस्थित भई। भगवान ने सबका स्वागत किया, सबको पधराया और सब श्रेष्ठजनों की ओर वंदन भाव के पश्चात भगवान नेत्र झुका लिए कि भगवान विदा नहीं करना चाहते। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हम अवध जाएं। कहा, भगवान ने पुनः उपदेश किया, संदेश दिया, राजा को कैसे रहना, राजधर्म वैसा जैसा मन का मनोरथ है, राजा को हर बात मन में छिपा कर रखना, अवसर आए तो समझाना। बहुत भांति, मुखिया का कर्तव्य क्या है, वेद व्यवहार क्या है, परिवार को कैसे, राजसत्ता को कैसे,
भगवान ने सब समझाया। भरत जी को भगवान समझा बहुत रहे लेकिन भरत जी को प्रबोध नहीं हो रहा, क्योंकि भरत जी चाहते भगवान कुछ ऐसी वस्तु प्रदान करे, प्रसाद प्रदान करे जिसको पास रखकर हम सेवा करें। भरत जी के भाव को भगवान भी समझ रहे हैं परंतु श्रेष्ठ समाज बैठा है, अस्तु भगवान संकोच में है। भगत के भाव को समझकर भगवान ने संकोच को उतारा, किसके लिए? भगत के लिए, भरत जी के लिए। और मेरे करुणा निधान की कृपा बरसी भगवान, प्रभु कैरी कृपा बामरी देवी, प्रभु कैरी कृपा बामरी देवी, सादर भरत हरी देवी, सादर भरत हरी देवी, चरण पीठ करुणा निधान के, चरण पीठ करुणा निधान के, जन्म जोग जामित प्रजा प्राण के, जन्म जोग प्रजा के रखवाले, प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, संपुट भरत राम, आखर जुग जनु जीव जतन के, आखर जुग जीव के यत्न के लिए भगवान के दो नाम, उन्मोदित अवलंबन ते भरत मुदित अवलंबन सुख जस सिया राम रहे। भरत जी ने चरण पादुकाएं प्राप्त की, भगवान के सिर चरणों में दंड प्रणाम करने लगे। परमात्मा ने उठाकर भरत जी को हृदय से लगा लिया। भेंट तो भुज भरी भाई भरत सो राम प्रेम रस कहि न परत सो। भरत जी को विदा करते समय भगवान का ऐसा प्रेम उमड़ा, धर्म की धुरी को धारण करने वाले मेरे प्रभु का भी धैर्य छूट गया, नेत्र झरझरा उठे। बारिज लोचन मोचत बारी देखी दशा सुर सभा आज विदा के समय भगवान बहुत रोए। भरत जी को भेजते समय भरत जी तो रोए ही प्रभु से अलग होकर, कि मेरे प्रभु भी बहुत रोए। प्रेम विदा नहीं करता, प्रेम छोड़ता नहीं, प्रेम जाने को नहीं कहता। बैठो ना, बैठो। प्रेम जाने नहीं देता, व्यवहार जाता है। मुनि लोग, गुरुदेव भगवान, जनक जी, विश्वामित्रादि, जिन्होंने जगत के भाव व्यवहार प्रपंच ज्ञान ज्ञान को विधि पूर्वक शोध कर रखा है, मति चूक गई। यही तो प्रेम है। जब जब याद आए भाई के दुलार तो
तब तब काटे धाई अंगना द्वार तोहरा, जब जब याद आई भाई ते दुलार तो। प्रभु विदा नहीं करना चाहते हैं, करना होगा। भरत जी जाना नहीं चाहते हैं लेकिन जाना होगा। एक दूसरे का प्रेम लेकर, एक दूसरे को प्रेम देकर विदा हुई। गुरुदेव भगवान माताएं प्रभु ने सबको विदा किया। आश्रम पर बैठ के भगवान इसी प्रेम का स्मरण कर रहे हैं, बिलख रहे हैं। सीताज मैया और लक्ष्मण भैया व्यथित न हो इसलिए भगवान ने संभाला। चार दिन में समाज अवध आया, सरकार की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधराकर गुरु आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम में रहते। पुरुषावर धरा खोद कर भरत जी चटाई पर, जैसे भगवान वन में रहते वैसे भरत जी श्री अवध में रहते। राज समाज संहार माताओं की सेवा शत्रुघ्न जी को 14 साल सरकार की चरण पादुकाओं ने अयोध्या का संहार किया। कैसे भरत जी राजसत्ता के साथ भी रहकर उदासीन भाव में कैसे रह गए। राम कृपा रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ा। अयोध्या में अवध राज सुरराज सिहाई, दशरथ धन सुन धन दल जाई, तेहपुर बसत भरत बिरु रागा, चन चरेक जिम चंपक बागा। संसार में सुख बहुत ऐश्वर्य बहुत है, परंतु राम प्रेम बढ़े इससे बड़ा ऐश्वर्य नहीं। भरत जी सब प्रकार सराहने योग्य, संसार के बहुत विषय आधिक्य में भी भगवान का होकर जो रहे वो भाग्यशाली। बाबा तो अपना सौभाग्य सराहते कहते हैं, सियराम प्रेम पियो सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत स्वरूप के भरे पात्र हैं भरत जी। सियाराम प्रेम पियोष पूरन होत जनमन भरत। इस भरत भैया के मधुर चरित्र, प्रिय चरित्र, पावन चरित्र, प्रेम पीयूषमय चरित्र का गान करके, श्रवण करके हमारे आपके हृदय में भी भ्रातृ भक्ति, भ्रातृ प्रेम दृढ़ हो। श्री राघव जी से प्रार्थना है, प्रेम करो, प्रेम करो। भाई भाई को प्रेम करो, भाई 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 प्रेम करो।
इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।